Pakistan is almost the first country to recognize People's Republic of China. सीपेक पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप में जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव था प्रेसिडेंट शी का, उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था और जिस अंदाज में वो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के ज़रिए रीजन को पर्टिकुलरली एक दूसरे के साथ जोड़ के और म्यूचुअल बेनिफिट के विजन के साथ चलते हुए, जो कि विन विन सिचुएशन हो तमाम रीजन में, उसमें ये विद इन दिस इंटरनेशनल ऑर्डर एक नए इकोनॉमिक विजन और इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे और इस इंट्रोडक्शन में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पे पाकिस्तान और सीपेक को चुना गया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी से रिलेटेड पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक इंटरवेंशन की गई। और मैं समझता हूँ कि दोबारा पाकिस्तान ने सी की अटेंशन एट अ ग्लोबल स्केल, देखिए सीपेक एक प्रोसेस का नाम था, किसी इवेंट का नाम नहीं था। उसमें चंद प्रोजेक्ट्स जिसको वो ताबीर करते थे अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट के तौर पे, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो सेकंड फेज था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, और थर्ड में एग्रीकल्चरल इंटरवेंशन होनी थी, चाइनीज टेक्नोलॉजी आनी थी, मज़ीद बेहतर सीड्स की तरफ आना था, वाटर मैनेजमेंट की सर्टन इंटरवेंशंस थी। तो ये फेज़ वाइज कोई 15 इयर्स के लगभग के वक्त पे मुहित था और इसने, जिसमें 6-7 साल का अरसा गालिबन गुजर चुका है, और उम्मीद मेरी यही है ज़ाती तौर पे कि जो स्टेट टू स्टेट एंड पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, पाकिस्तान में तब्दीली हुकूमतों की आई है लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ, एक ही एटीट्यूड और रवैये के साथ सीपेक के प्रोजेक्ट्स को आगे भी बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान में मोर और लेस एक कंसेंसस पॉलिटिकल क्लास में, उसके रियासत के स्ट्रक्चर में, जो रियासती इदारे हैं उनके अप्रेटिस में वो डेवलप होता जा रहा है कि उसको पॉजिटिव रिसेप्शन मौजूद है विज अवी चाइनीज़ रिलेशन और सीपेक के जितना भी एक्टिविटी है। चाइनीज़ गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जिसमें डिफरेंट स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटी जो हैं उनको वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में इंगेज करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मोर और लेस पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो सेंटर ऑफ द राइट हों, वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स अपनी स्ट्रॉन्ग समझती हों, सेंटर ऑफ द लेफ्ट हों, उनमें से मोर और लेस हर एक के साथ इंगेज किए हुए हैं। उनकी जानिब से भी एक ओवरऑल पाकिस्तान में कोई न पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी नहीं दिखाई देती। वो किसी भी पाकिस्तानी के साथ इंगेज होना चाहते हैं कि जो बहुत खुशाइंद अप्रोच है। उसमें तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स शामिल हैं, तमाम सियासी कुव्वतें शामिल हैं, तमाम स्टार्टर्स सोसाइटी की जो हैं वो उसमें शामिल हैं और मुख्तलिफ सतह पे ये प्रोग्राम्स एक्सचेंज के हो रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हज़ारों की तादाद में चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त जा रहे हैं। इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, खसूसी तौर पे चाइनीज़ मैंड्रीन लैंग्वेज जो है, मैं समझता हूँ आज भी जितनी पाकिस्तानियों को ज़बान की वो लर्निंग ऑफ द मैंड्रीन लैंग्वेज है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। और चाइना के अंदर उर्दू सेंटर्स और उर्दू ज़बान की जो तरवीज है वो अभी भी उतनी नहीं है जितनी उसकी खपत है, जितनी उसकी ज़रूरत है। इस पर फोकस दोनों जानिब से होना चाहिए ताकि ये जो सो कॉल्ड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है इसमें
कम्युनिकेशन का, ज़बान का बहुत बड़ा अमल दखल है। बदकिस्मती से सिक्योरिटी के चैलेंज रहा है मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में, जो वक्तन फवक्तन चाइनीज़ नेशनल्स के साथ जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, उस पर मैं समझता हूँ एज़ अ नेशन, एज़ अ गवर्नमेंट, एज़ अ सोसाइटी, हमें शर्मिंदगी भी है, दुख भी है, और उसके मदावा करने के लिए मेरे ख़्याल में एक रिस्पांस मैकेनिज्म भी डिज़ाइन हुआ है। जब शुरू में ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ तो एक पूरा सिक्योरिटी डिवीज़न इसके लिए डेडिकेट किया गया, जो कि मेरे ख़्याल में एक बहुत संजीदा काविश थी, और उस काविश ने काफ़ी मैं समझता हूँ उसको सिक्योर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड की। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप तूल और अर्थ में मुल्क के पूरे जहाँ पर लगभग 24 करोड़ से ऊपर की आपकी आबादी अप्रॉक्सीमेटली हो चुकी है, वहाँ पे मैन टू मैन फिज़िकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अगर नामुमकिन नहीं है तो इंतहाई मुश्किल काम ज़रूर है। और जो एनिमिटी लिस्ट है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट चाइना एंड सी पैक इन दिस रीजन, उसमें ज़ाहिर है जो फोर्सेस इसके अगेंस्ट काम कर रही हैं वो इस वल्नरेबिलिटी को समझते हुए उन्होंने बहुत टारगेटेड अंदाज में चाइनीज़ नेशनल को जहाँ जहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स उनको नज़र आए उनको उन्होंने एज ए टूल यूज़ किया, और बदकिस्मती सी ये एक वो पहलू है जिसका रिस्पांस मेरे ख्याल में हमें मज़ीद बेहतर करना होगा। देखें मैं नहीं समझता कि सी पैक पे पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिकल डायमेंशन जो तब्दीली भी हुई है उसमें किसी किस्म का मनफी असर आए। उसकी वजह यह है, जैसे मैं पहले आपको बयान कर रहा था, कि पाकिस्तान में तीन चार बड़ी जो सियासी कुव्वतें हैं या जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं जिनका स्टेट क्राफ्ट में किरदार है, जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जितनी कुव्वतें मौजूद हैं, इन सब का एक मुत्तफिका, जिस तरह हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कश्मीर, ये कंसेंसस के साथ इन पे हम जितनी भी हमारी डाइसेंट इंटरनल पॉलिटिकल हो, इन इश्यूज पे हमने पाकिस्तान ने एज अ नेशन कभी भी या पाकिस्तानियों ने एज अ नेशन कभी भी डाइसेंटिंग व्यूज़ नहीं दिए, ना पब्लिकली दिए हैं ना प्राइवेटली दिए हैं। मोर और लेस सीपैक ने भी वही स्टेटस इख्तियार कर लिया है, वही हैसियत उसको मिल गई है, इसलिए किसी किस्म की हुकूमती तब्दीली से अब या मुस्तकबिल में मुझे नहीं लगता कि वो किसी मनफी अंदाज में सी पैक के प्रोजेक्ट्स पे असर अंदाज होगा। सी पैक में चाइना और पाकिस्तान की मुखालिफत जिसने की है ग्लोबल कम्युनिटी में, वो ओपनली सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है, वो ना अमेरिका है, ना वो यूरोप है, ना वो ऑस्ट्रेलिया है, ना वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, ना वो रशिया है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है, जिसने पब्लिक पोजीशन ली है, जो ऑब्जर्वर के तौर पे भी इनको इनवाइट किया गया था रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो कॉन्फ्रेंसेस चाइना हुई उनको, न सिर्फ ये कि उन्होंने अटेंड नहीं किया बल्कि ऐलानिया उसकी मुखालफत की। तो जो पब्लिक पोजीशन ले लें, ज़ाहिर है अगर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है, कोई हरकत होती है, तो सबसे पहले उंगली उन्हीं की जानेब उठेगी, और वो इंडिया है। एविडेंस भी ये शो करता है, और उन्होंने जब अपनी इंटेंट डिक्लेयर की, जो डिक्लेरेशन है, वो भी उनकी जानेब ही तमाम के तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एविडेंसेस सामने आए हैं वो उसी तरफ इशारा करते हैं, और कंक्लूजन यही है कि इसके पीछे हिंदुस्तान, उसकी रियासत, उसके टैक्स पेयर्स का पैसा बदकिस्मती से इस खत्ते में मासूम लोगों की जो खून बहाना है उसमें उसका इस्तेमाल होता है, और ये इंडियन कॉन्शियंस पे एक ब्लॉट है, एक डब्बा है। मैं समझता हूँ कि जो डिसेंट इंडियन सिटीजनरी है
उनको भी इस पर गौर करना चाहिए कि उनके जो खून पसीने की कमाई है क्या वो मासूम इंसानों की कत्ल वारदगिरी में इस्तेमाल होनी चाहिए। उनको अपनी रियासत के अंदर इस सवाल को ज़रूर उठाना चाहिए। देखें हमारे अपने जो प्रोविंस के अंदर जो डायनामिक्स हैं या जो हमारे पाकिस्तान की फेडरेशन के अंदर अपनी हमारी वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स भी हैं, उन को सीपैक से बराए रास्त तो मैं शायद ऐसे ना जोड़ूं, लेकिन पाकिस्तान का जो ओवरऑल रियासत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सूबे बलूचिस्तान उसका आधा हिस्सा है, यकीनन उसके मुस्बत असरात ऐसे आए हैं कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि क्वेटा से ग्वादर का सफ़र, बल्कि बाज़ औक़ात आज से 15-20 साल पहले मुझे पंजगूर जाने का इत्तेफाक होता था तो वो सफ़र 24 घंटे 48 घंटे भी बाज़ औक़ात स्टॉप ओवर के साथ लगता था बाय रोड। आज वही सफ़र ग्वादर से क्वेटा का जो है ना वो 7.5-8 घंटे में बाय रोड होता है। तो दिस हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड आर टाइम एंड स्पेस, और ये बिल्कुल हमारे दो दिहाइयों के अंदर हुआ, और उसमें एक मेन कंट्रीब्यूशन इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बनी वो सीपैक के स्पोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से बनी। तो उसमें ओवरऑल उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी में उसने कंट्रीब्यूट किया है, और जो ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है आम लोगों की जो कनेक्टिविटी है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, नॉट जस्ट विद इन द प्रोविंस बल्कि आउटसाइड द प्रोविंस, वो बढ़ता है, और वो जो एक नई नेशनल आइडेंटिटी जनरेट हो रही है जिसके एक्सपीरियंस पिछले 7 दहाइयों में पाकिस्तान की पाकिस्तानी कौम के सूरत में, पाकिस्तान की रियासत की सूरत में ये तजर्बा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक तजर्बा हो रहा है उसमें मज़ीद मैं समझता हूँ इजाफा हो रहा है, और उस इजाफे में बेहतरी आ रही है। हमें 2-3 एरियाज़ में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए जो कि मेरे ख्याल में डिफरेंट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ रही हैं, और वो यही है कि हम फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए जो एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर कैसे बनाएं। जब मैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करूँ उसमें दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ईल्ड की प्रोडक्शन आप बेटर सीड्स इंट्रोड्यूस करा के, एक तो इसका तरीक़ेकार ये होता है। दूसरा जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो अंडर यूटिलाइज या सेम ओथोर के तहत जो आपकी ज़मीनें बेकार हो गई हैं उनको कैसे कारामद या किन चीज़ों के लिए कारामद किया जा सकता है। फिर वाटर मैनेजमेंट है कि आपका जो वाटर रिसोर्स है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, कम रिसोर्स ऑफ वाटर में ज़्यादा ईल्ड प्रोड्यूस हो, ये वो डिटेल्स हैं एग्रीकल्चर की जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन में लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट जो है वो एक मेन एलिमेंट होगा फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने का ग्लोबल स्केल पे। आपके पास साउथ एशिया में हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलस लाइज हियर, तो अगर जहाँ आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंसानों की जिस रीजन में रह रही हो उस बैकयार्ड में अगर आप प्रोड्यूस करने के काबिल ना हो गरचे आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद हो तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी, और मेरे ख्याल में एक नेशनल क्रिमिनल नेगलिजेंस की तरफ हम जा रहे हैं। सो प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर पे हमारा ये फोकस है, और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आने वाले दिहाई में या 2 दिहाइयों में इंसानों की जो यूटिलिटी होगी वो स्किल के साथ जुड़ जाएगी। ह्यूमन टैलेंट इस एरिया में मौजूद है, लोगों के अंदर एक टेम्परमेंट मौजूद है, एक पोटेंसी मौजूद है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जो आगे बढ़ने का पैशन है, जो जज्बा है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और ग्लोबल मार्केट के साथ एक सेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे उसकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए, और उस रिक्वायर्ड स्किल्स के मुताबिक ही अगर ट्रेनिंग और वोकेशनल प्रोग्राम्स डिज़ाइन हो तो पाकिस्तान जो अपनी रेमिटेंसेस की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिस पे हमारी इकॉनमी डिपेंड करती है
उसकी जो रिप्लेसमेंट ग्रेजुअली होनी है वो इस अंदाज में हो कि एक तो आपको आपकी इकॉनमी को शॉक ना आए न कोलैप्स कर सके। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंजन है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप की एनर्जी डिमांड जो है वो फुलफिल हो और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। तो चाइनीज़ सीपैक के इंटरवेंशन से इन दोनों को एड्रेस किया गया है। अब सेकेंड और थर्ड फेज़ में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पोलिटिकल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो संजीदा इश्यूज़ हैं उस पर कोई संजीदा काम कर पाएँ और जो पाकिस्तान की चीदा देखें आपका जो GDP है वो कैसे बढ़ेगा, आपकी जब इकोनॉमिक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इकोनॉमिक्स में जैसे लेमैन के लिए उसकी डेफिनेशन यही है कि इट्स अ मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी प्रोडक्शन क्या है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। अगर हमारी लेट से आज की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें वो प्रिमिटिव रहती है, अगर आप एग्रीकल्चर की प्रिमिटिव टेक्निक्स के साथ चलते रहेंगे तो आपकी प्रोडक्शन दुनिया में कैसे बढ़ेगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें गौर करना पड़ेगा और अपनी मईशत बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी कि पाकिस्तान कैसे प्रोडक्शन अपनी बेहतर कर सकता है, किसी भी मुल्क या कौम में उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। आपका लैंड एक आपका पोटेंशियल है, आपकी सी शोर्स या ओशंस आपके हैं वो एक और पोटेंशियल है, आपकी जो ह्यूमन आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होता है ये आपका एक पोटेंशियल है, फिर इन तमाम के साथ आपके जो नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं वो आपका एक पोटेंशियल होता है। ये तमाम चीज़ें मिल के एक नेशन की वेल्थ बनती है। आपका प्राइमरी कैरेक्टर जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्किंग कल्चर डेवलप करता है। क्या ये जो 24 करोड़ लोग हैं इनमें ये वाली सलाहियतें मौजूद हैं, कितने लोगों में मौजूद हैं, किस तादाद में मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स अ बेटर इकोनॉमी।